The National Commission for Scheduled Tribe, आपका माध्यम से especially in this area, North Eastern स्टेट का जो भी शेड्यूल ट्राइब है, ट्राइबल है, उसको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमें जो इम्प्रेशन मिला है यहाँ में कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का बारे में लोगों का इतना जानकारी नहीं है, इसको इसको अवेयरनेस का भी ज़रूरी है। और जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो अंदर आर्टिकल 338 का अंदर में प्रेसिडेंट ने गठन करता है, तो 100 देश प्लान का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, चेयरमैन दूसरा स्टेट में चला गया और दूसरा जो हमारा साथी मेंबर है वो लोग भी दूसरा स्टेट में चला गया, तो हम चूज किया गए कार्बी आंग और दी महासव काउंसिल जो है हिस्ट्री है इसको इसमें आने के लिए। तो हम लोग आए हैं, मेरा साथ वो सेक्रेटरी भी आया, जॉइंट सेक्रेटरी सब ऑफिशियल भी आया है। हमारा उद्देश्य है कि देखिए सिक्स शेड्यूल का अंदर में जो काउंसिल है दो, इसको इसका साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए, हाउ द काउंसिल्स आर फंक्शनिंग स्पेशल रेफरेंस टू दी शेड्यूल ट्राइब काउंसिल तो है, ट्राइबल काउंसिल तो है, तो उस पर थोड़ा स्टडी भी हो जाए, इंटरेक्शन भी प्रोग्राम हो जाए और साथ साथ में डीफो और हाफ ये जो दिमाहासाव डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंग जो डिस्ट्रिक्ट अभी रिव्यू भी करेगा हम लोग इसमें विद रिलेशन टू द शेड्यूल ट्राइब, ये कैसे भी वेरियस गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसमें शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट में कितना बेनिफिट हो रहा है और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दिस एरिया, इसको देखने के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से भी रिव्यू करे दिमा हासाओं में भी किया है, तो इसके लिए आया है। सर जो एस टी रिजर्वेशन है उसके बारे में इंक्रीज करने के लिए आप कुछ पॉलिसी है? नहीं, कमीशन से देखे वो बहुत होलिस्टिक हम लोग एक अप्रोच लेके जैसे हर मिनिस्ट्री में हर डिपार्टमेंट में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में यूनिवर्सिटी में एसटी का रिजर्वेशन था और उसको उसको मॉनिटर करने के लिए जैसे लाइसेंस ऑफिसर का प्रोविजन होता है, तो एवरी मिनिस्ट्री से हम लोग ये इंफॉर्मेशन भी अभी मांग रहा है कि रिजर्वेशन को लेके जानकारी लेने के लिए जो सही ऑफिसर है जो हमें जानकारी दे सकता है वो लाइसेंस ऑफिसर ही है, और ये लाइसेंस ऑफिसर हर मिनिस्ट्री में होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी होता है, तो जानकारी हम लोग ले रहा है कि कितना बैकलॉग है और किस लिए है, किस लिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, वो सब जानकारी तभी मिलेंगे जब हम ये इंफॉर्मेशन जो हम लोग मांग रहा है वो उसको आने का बाद उतर है। तो अगर बैकलॉग होगा उसको रिक्रूटमेंट कराने के लिए हम लोग को रिकमेंडेशन दे देंगे। थैंक यू।